अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारी कर्मचारियों के शैक्षिक आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की संगठन है, जिसमें देश और प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी सदस्य हैं। कल्याण संघ का 56वां स्थापना दिवस समारोह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया, जिसमें इन वर्गों की समस्याओं के निराकरण कराने हेतु विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से 10 सूत्री मांग पत्र देने का निर्णय लिया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का 56वां स्थापना दिवस है और आज आपकी बैठक भी है संघ की, क्या कुछ है इन बैठक में, क्या क्या मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, विचार विमर्श होंगे, उसके बारे में बताइए। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं हमारी इसमें, हमने आज जो है 10 मुख्य मांग हमारी है, जिसका हम ज्ञापन आज जो है दे रहे हैं भारत संघ के माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार ने दी थी, और माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को हम आज 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी एक तो प्रमोशन की मुख्य मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। हमने सबसे पहले जंतर मंतर पर भी 24 जून 2012 को धरना प्रदर्शन किया था, तब से लेकर आज तक जो है धरना प्रदर्शन कितनी बार ज्ञापन मांग पत्र देखते चले आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया और DOPT भारत सरकार ने भी 12/4/2022 बाल जो है आज तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और हमारी ये मांग है कि जितने भी चतुर्श्रेणी से लेकर समुभा से लेकर सर्वशिक्षा तक जितने भी पद हैं उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाए, भागीदारी आरक्षण का मतलब भागीदारी से है, आरक्षण जो लोग कहते हैं ना आरक्षण नहीं होना चाह रहे, आरक्षण नहीं होना चाहिए, भाई आबादी कैसे इसकी जितनी जनसंख्या है, बैकवर्ड की जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी उनको दे दो, जितनी जनरल कास्ट की भागीदारी उनको दे दो। हमारा ये कहना है कि आबादी के हिसाब से सब भागीदारी निजी क्षेत्र हो चाहे जो भी हो जहाँ भी हो उसमें भागीदारी दी जानी चाहिए, और भारतीय संविधान में पढ़ते जैसे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, न्यायालयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट में जो है वहाँ हमारे लोग OBC के SC ST के जो है जज नहीं होते हैं तो उसमें भी आरक्षण का प्रतिनिधित्व पूरा दिया जाना चाहिए और सभी जगह आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, और इसको जो है आरक्षण को जो है भारत के संविधान की जो 90 सूची है उसमें इसको डाला जाना चाहिए ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। और हमारी जो है जैसे EWS की तरह में जो है मतलब सुभाष के जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है उसकी तो आय सीमा और रखी है 2.5 लाख रखी है, बाकी जैसे बैकवर्ड का है 8 लाख रखी है, तो उसकी तरह जो है जैसे EWS का है, EWS में तो सभी लोग आते हैं, उसमें जनरल कास्ट भी होते हैं EWS में, बैकवर्ड के लोग भी है EWS में, सुभाष के लोग भी, सभी गरीब लोग तो ही जाति वर्ग में है, उसकी तरह पर ही जैसे सुभाष के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कर्मचारी हमारे रिवर्ट हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2000 में 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था कि इसको लागू किया जाए, आज तक लागू नहीं किया गया। इससे पहले पूर्व राज्यपाल साहब महामहिम राज्यपाल साहब नायक साहब ने हम लोगों को लिख के भी माननीय योगी मुख्यमंत्री जी को दिया, लेकिन आज तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मेरा यही है कि हम लोगों को जो भी नुकसान हुआ है पीछे तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को लोगों को उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। मैं निवर्तमान में जिला अध्यक्ष रहा हूँ और इसमें निवर्तमान में मेन बात प्रतिनिधित्व की समस्या हम लोगों का सामने ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि कहीं भर्ती हो रही है और माध्यम से हो रही है जिसमें SC ST का एकदम अवहेलना किया जा रहा है बिना योग्यता बिना कुछ। मेरा नाम ओम प्रकाश है और आउटसोर्सिंग में जो है नीतियाँ हो रही उसको रोका जाए, भागीदारी नाम बोल दीजिए। मेरा नाम किशोर देवेंद्र, मैं लखनऊ से हूँ और ये जो आज अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ की जो ये 56वां स्थापना दिवस के ऊपर जो बैठक है उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को सरकार सुने। सचिव अखिल भारतीय जनजाति कल्याण संघ,
और हम लोग आज 3 फरवरी को स्थापना दिवस संघ का मना रहे हैं यहाँ पे जो है, जिसमें 10 सूत्री मांगों के संबंध प्रेस जारी की गई है और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उत्तर सरकार द्वारा इस पर सतर्क प्रयास करते हुए लोग मांगों के पूर्ण करने में प्रयास किया जाएगा जो है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।